पीने की अवस्था में कैसे कैसे कर रहा है, जो है रेप का इस पर आरोप लगा है और देख सकते हैं हमें देख कर जो है नाटक कर रहा है। शराब के नशे में जो है इस आदमी ने जो है 3 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया है और इसे होश भी नहीं है कि ये क्या काम कर बैठा है। अभी नींद खुली है तो सदर अस्पताल में आकर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो पिए हुए हैं, मुँह महक रहा आपका? जी सर, पिए हुए तो हैं। पिए के अवस्था में कुछ भी कर दीजिएगा? नहीं, ऐसा लगा था अभी मेरे को प्यास बहुत लगा है, मेरे को पानी चाहिए अभी। तो पानी के लिए यहाँ पर तरस रहा है और इसने जाइए लेके जाइए। इस दुर्गा पूजा आए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ हमारे राधा रानी शॉप पर, जहां लेडीज एवं किड्स वेयर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन खास आपके लिए। तो आज ही आए राधा रानी शॉप, अग्रसेन मार्ग, मेन रोड, बेगूसराय। क्या किए थे वो? तीन साल की बच्ची के साथ क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं तो भीड़ काहे मारा आपको? बर्दा गलत फंस गए तो मार तो लगबे ना करेगा। तो आप पर रेप का आरोप लगा हुआ है, क्या कर रहे थे? जी सर, तो मेडिकल होगा, मेडिकल में तो जांच में तो पता लगेगा ना कि हम गलत हैं या सही। क्या नाम हुआ आपका सर? आप तो पिए हुए हैं, मुँह महक रहा आपका। जी सर, पिए हुए तो हैं। पिए के अवस्था में कुछ भी कर दीजिएगा? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मेरा माँ बहन बच्ची सब है ना मेरा घर में, अभी इधर गलत आरोप में आए हैं। तो शराब कहाँ से महुआ मुँह महक रहा आपका? जी सर, पी लिए, वो मिलता था कहीं पर भी पी लिए। कहाँ क्या पिए हैं? आपको होश नहीं था जब कुछ कर रहे थे? नशा लगा था अभी मेरे को, प्यास बहुत लगा है, मेरे को पानी चाहिए अभी। प्यास लगा तो अपना हवस का शिकार कर बना दिए किसी को ना? कौन पिलाया आपको? देख सकते हैं कि शराब के नशे में जो है इस आदमी ने जो है 3 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया है और इसे होश भी नहीं है कि ये क्या काम कर बैठा है। अभी नींद खुली है तो सदर अस्पताल में आकर यहाँ पर बैठा हुआ है और प्यास मांग पानी के लिए यहाँ पर तरस रहा है और इसने प्यास बुझाई है। देख सकते हैं कैसा स्थिति में है और ये जो है पीने की अवस्था में कैसे कैसे कर रहा है और जो है रेप का इस पर आरोप लगा है और देख सकते हैं हमें देख कर जो है नाटक कर रहा है कि और नाटक दिख करके ये दिखा रहा है कि हम जो है बचने के। और यही घटना है जो बेगूसराय में देख सकते हैं किस तरह से जो है शराब के या महुआ के नशे में ये पिया हुआ है और नाटक करके दिखा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया है। हालांकि जब इसे होश आएगी तब पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा जुर्म कर बैठा है। नाटक कर रहा है, नाटक ड्रामा नहीं करो। देखिए, आज शाम तकरीबन 4:30 बजे बीरपुर पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो बगवारा क्षेत्र का रहने वाला, जो कि सिंघौल थाना क्षेत्र में पड़ता है, वो कारी चक के पास वार्ड नंबर 13 मिर्ज़ापुर पड़ता है, वहाँ की एक बच्ची को ले जा कर के बस बिट्टी के पास दुष्कर्म किया है और जिस दुष्कर्म के बाद जो है ग्रामीण लोगों के द्वारा उस एक्यूज़ को पकड़ लिया जाता है। सूचना जैसे मिलता है बीरपुर थाना की पुलिस महज 10 मिनट के अंदर वहां पहुंचती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है, पीड़िता और एक्यूज़ दोनों को लेकर के PSC बीरपुर जाती है। वहां पर प्राथमिकी इलाज कराने के बाद उसका जो अग्रतर इलाज है या सदर अस्पताल बेगूसराय में अभी चल ही रहा है और ये क्लियर कट इसमें नज़र आ रहा है कि ये पॉक्सो का मामला है और बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसकी भी पुष्टि हुई है। और हम लोग पॉक्सो एक्ट के तहत सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें आगे की जितनी भी
साक्ष्य संकलन के संबंधित जो भी कार्य हम लोग कर सकते थे डॉक्टरों को भी बता दिया गया है, बहुत जल्द वो सारे साक्ष्य मिल जाएंगे और आगे का अनुसंधान करते हुए जो भी दोषी है इसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आरोपी के साथ मारपीट भी की गई है बांध के। देखिए जब वहाँ पर ग्रामीण लोगों के द्वारा पकड़ा गया तो पता चला कि उसके साथ लपर थप्पर भी किया गया है, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण उसे उस मॉब से निकालते हुए फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाया गया। आरोपी नशे के धुत में इस तरह की, देखिए अभी इसकी जांच की पुष्टि नहीं हो पाई है, हालांकि हम लोगों ने यहाँ के मेडिकल ऑफिसर को बोला है कि इसकी भी जाँच कर ले। लोगों ने सड़क भी जाम किया, वो सड़क जाम किया था जो भी मामला सामने आता है तो इसमें सबसे अहम चीज़ होती है साक्ष्य भी निर्धारित किया गया है तो उसके हिसाब से हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं क्योंकि वही साक्ष्य के बेसिस पर इसे हम लोग सजा दिला पाएंगे।